हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 7। इट इज़ लेशन नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिएशन इन प्लांट। हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिएशन इन प्लांट, आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिएशन इन प्लांट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन न्यूट्रिएशन को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम भोजन क्यों करते हैं। व्हाई वी टेक फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजन इसलिए करते हैं से हमें जो है वर्क करने के लिए, रोज़ काम करने के लिए एनर्जी मिले, और हम जो है एनर्जी लेने के लिए जो है हम फूड को टेक करते हैं। फूड में क्या क्या होते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती हैं, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं फूड में होती हैं। ये सारी चीज़ें कुछ हमें एनर्जी देती हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, और कुछ जो है हमारे शरीर को ग्रो कराने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फूड से मिलती हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमें जो है ये इसका यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, जिससे जो है हमें न्यूट्रिएशन मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। इसी प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं न्यूट्रिएशन बोलते हैं। न्यूट्रिएशन अब दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएशन। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन समझते हैं। ऑटो मीन्स होता है खुद, सेल्फ सेल्फ इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन जो है वो अपना भोजन खुद ही बनाए। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर दियर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसका मतलब अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं। वो कौन होते हैं, वो हमारे सारे जो है मोस्ट ऑफ द जो है मोस्ट प्लांट होते हैं, मोस्ट प्लांट होते हैं। वो सारे प्लांट जो हैं इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। अभी हम फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। सबसे पहले अब इसको सेकंड को जान लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरो मीन्स होता है अदर, हेटरो मीन्स होता है अदर, इट मीन्स ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद ना बना करके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इट मीन्स दे डोंट प्रिपेयर दियर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज। अब इसमें हम एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन होते हैं। जैसे कि हम पता है हम लोग अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं हैं। अब बोलो मम्मी बनाती हैं, नहीं मम्मी नहीं बनाती हैं। मम्मी तो भोजन बनाती हैं, लेकिन वो भी जो है उनको मिलता कहाँ से है, वो सब कुछ उनको मिलता है प्लांट होते हैं। अगर प्लांट ना होते तो उनको जो है ये कुछ भी ना मिलता। तो इसलिए जो है हम जो भी खाते हैं वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, हम सारा कुछ जो है हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, और यहाँ एनिमल को भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, और ये अदर में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अभी हम उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर मिनरल। इन सब की प्रेजेंस में जो है प्लांट अपना भोजन को प्रिपेयर करता है। कैसे करता है हम लोग देख सकते हैं इसमें। दिस इज़ द सन, सन की सोलर लाइट जो है इनकी पड़ती है, सोलर एनर्जी इन पर पड़ती है। जब एनर्जी इस पर पड़ती है तो अब एनर्जी पड़नी है, अब यहाँ पर जो लीफ पे जो है ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोफिल बोलते हैं। अब ये सनलाइट जो है इनकी लीफ पे पड़ती है, लीफ क्या करता है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद लीफ इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है
और यहाँ से जो है ये वाटर और मिनरल्स, और ये हमारे एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इन सब मिलाने के बाद जो है ये अपना भोजन बनाता है। जैसे हमारा भोजन हमारे किचन में बनता है, वैसे ही प्लांट का भोजन जो है इनके पत्तियों में बनता है, इनके लीफ में बनता है। इसीलिए जो है हम लीफ को जो है हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं हम। अब हम स्टोमाटा की बात कर लेते हैं, इसमें स्टोमाटा भी एक पार्ट होता है। देयर आर सम होल्स ऑन द लीव्स, देयर आर सम होल्स ऑन द लीव, दीज होल्स आर नोन एज स्टोमाटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसको जो है इंटर करने का काम करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर के, और ये अपने अंदर इंटर कर लेते हैं। तो ये जब पूरा इनको मिल जाता है सब कुछ, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स, और ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती है, वाटर मिनरल्स वगैरह, तो अपना भोजन ये बना लेते हैं। स्टोमाटा को हमने पढ़ चुका। अब इस प्रोसेस में इनको जो है कार्बोहाइड्रेट मिल गया, इनको और भी दूसरे एनर्जी की ज़रूरत होगी, जैसे कि फैट होगी, प्रोटीन होगी। अब ये जो है इसको दूसरे फॉर्म से गेट करते हैं, जैसे कि सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमारे जो सॉइल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम राइजोब कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं, सॉरी। ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस को जो है सीधे ना लेकर के, नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको जो है ये जो है सॉइल में कन्वर्ट कर लें, सॉल्युबल फॉर्म में कर लेते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, वाटर में मिल जाती है। मिक्स हो जाने के बाद जो है वाटर के थ्रू और मिनरल्स के थ्रू ये जो है इनको नाइट्रोजन भी मिल जाती है, तो इनको ये भी मिल गई। और इस ये तो राइजोबियम का वर्क हो गया, लेकिन फॉर्मर का भी इसमें रोल होता है। फॉर्मर जैसे उस जैसे कहीं सॉइल की जो है बैक्टीरिया, सॉइल की वो ख़त्म हो गई है, नाइट्रोजन की पावर ख़त्म हो गई है, तो फॉर्मर क्या कर देते हैं, इनमें जो है एडिंग फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, जिसमें उसमें नाइट्रोजन बढ़ जाती है, और उसको जो है ये टेक करते हैं और प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं। बात करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएशन इन प्लांट। प्लांटों में कुछ दूसरा भी न्यूट्रिएशन होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन कैसे, हेटरोट्रॉपिक में कुछ ऐसे प्लांट होंगे, हेटरोट्रॉपिक का मतलब हम ये समझ चुके हैं कि ऐसे प्लांट होंगे जो अपना भोजन खुद ना बना करके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, ये ऐसे जैसे एक ही कैस्केटा ऐसा प्लांट होता है जो येलो कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ये फैला होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर ये फैले होते हैं। ये अपना भोजन तो खुद बनाएंगे नहीं, लेकिन जो दूसरा वाला प्लांट है जिसके ऊपर चिपके रहेंगे, जिसके ऊपर फैले रहेंगे, वो जो अपना भोजन बनाएगा उसी से जो है ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसी का भोजन जो है खुद ले लेते हैं। तो अपना भोजन तो खुद बनाया नहीं, ये किसी दूसरे से उनको मिला, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, और किस में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा है इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में कौन कौन होते हैं, एक हमारे होते हैं पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लडरवॉर्ट एंड सनड्यू सब। ये ऐसे प्लांट होते हैं, एक्चुअली इनकी लीफ में जो होती हैं पत्तियाँ, इनकी जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पहले खुले हुए होते हैं। खुले होने के कारण जो है ये जो है जब बाहर जो है कुछ इंसेक्ट जो है फ्लाई करते रहते हैं, उन्हीं को ये पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है कि इनको जो है पकड़ के ट्रैप कर लेते हैं,
और ये उसको जब तक डाइजेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक ये खुलते हैं, और डाइजेस्ट कर लिए फिर से खुल जाते हैं, और फिर से बाहर उड़ते रहते फिर से पकड़ लेते हैं और फिर से ये डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो है उनसे करते हैं काम, मतलब भोजन नहीं बनाया उसी को खा लेते हैं ये, बनाने काम नहीं इनका, केवल खाने काम कर ले। तो इसीलिए हम बोलते हैं हाँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन बोलते हैं। बोलते हैं स्पैरोफाइट्स बोलते हैं। स्पैरोफाइट्स क्या होते हैं ये आपने देखा होगा, ग्रो ऑन स्पॉइल, ये क्या करते हैं ये जहाँ पे, ये आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्रेड होते हैं या चपाती होती हैं, इन सब के ऊपर जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, फंगी जिसे बोलते हैं इसी के ऊपर हो जाता है, और इसी के ऊपर हो जाने से जो है वो उसी से जो है अपना भोजन बना लेते हैं, उसी को जो है उसी को ही खाते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं आप उसी को ही खाते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्पैरोफाइट्स और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मशरूम भी होता है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे होते हैं जो जैसे लीचन प्लांट होता है, एग्जाम्पल है हमारा लीचन प्लांट, एक्चुअली में दो पेयर्स में होते हैं, शेयरिंग होते हैं क्या, एक रिलेशन होता है दो प्लांटों में रिलेशन होता है, जो जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ सकते हैं, जैसे हमारे फंगस होता है, एक तो हमारा फंगस होता है, दूसरा इसमें एल्गी होते हैं, इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इनके दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या काम करता है, फंगस का काम क्या होता है, शेल्टर देना, वाटर और मिनरल इनको देना, इनको पहुंचाना, इनको प्रोवाइड कराना, केवल इतना काम होता है फंगस का। एलिगा का काम क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जिससे जो है ये भोजन को मेक करता है, फूड मेक का काम करता है। तो अब इनको जो भी ज़रूरत है दोनों ने पार्टिसिपेट करके दे दिया, दोनों ने पार्टिसिपेट किया और भोजन इनका फूड प्रिपेयर करा दिया, अब फूड प्रिपेयर हो गया और इनको मिल गया, तो इनको पक पक आया भोजन मिला, इसीलिए जो है इनको हम हाइटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थिंक आप समझ रहे होंगे। बात करते हैं हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड सॉइल। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम जो है कभी कभी जो है एक ही प्लांट को जो है बार 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 अगर उसी पे लगाते जाएंगे, उसी जगह पे लगाते जाते हैं, तो उस प्लांट की नहीं, उस रू सॉइल की जो है जो न्यूट्रिशन पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिशन जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है उसी प्लांट को बार बार उसी जगह पर लगाने से, जो है सॉइल की न्यूट्रिशन पावर वीक हो जाती है। सॉइल की न्यूट्रिशन पावर वीक होने के कारण जो है वहाँ पर जब कुछ दूसरा चीज डालेंगे, दूसरा हम प्लांट ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं होगी, मतलब उसकी न्यूट्रिशन पावर सॉइल की ख़त्म हो चुकी है जिससे वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए जो है जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो होता है हमारे उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फोरस मिट्टियों में होता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद क्या होगा, तो प्लांट होगा नहीं वहाँ पे, तो इसके लिए हमारे जो फार्मर्स होते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जैसे कि यूरिया होता है, जैसे हमारा है यूरिया, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो है उस पे जो है छिड़काव कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे उनमें जो है न्यूट्रिशन प्लांट मिल गया, सॉइल को न्यूट्रिशन मिल जाता है। सॉइल को न्यूट्रिशन मिलने के बाद जो है आप वो आराम से काम ग्रो कर सकते हैं। ये तो दूसरा टॉपिक। एक होता है प्लांटिंग लेगुमस ट्री, ये क्या करते हैं लेगुमस, प्लांटिंग लेगुमस इसमें क्या होता है, ये भी ये एक ऐसा है होता है प्लांट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। सॉइल में अगर नाइट्रोजन ख़त्म हो गई, अगर इस प्लांट को लगा देते हैं लेगमस ट्री को, तो ये क्या करता है फिक्सिंग का काम कर, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है, एटमोसफियर लेकर के इसे मिला देता है, सॉइल मिला देता है, जिससे सॉइल की न्यूट्रिएंट पावर मेंटेन रहती है, और कुछ भी प्लांट लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो कर सकती है।
स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।